प्रदेश भर में निजी बस संचालकों की 1 जून से जारी हड़ताल आज समाप्त हो गई। परिवहन मंत्री के साथ में हुई सकारात्मक वार्ता के बाद निजी बस संचालकों ने हड़ताल खत्म कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में राजस्थान में बंद बस सेवा कर दी गई थी, जिसके बाद निश्चित गाइडलाइन के अनुसार सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन यात्री कम होने और लॉकडाउन पीरियड में बस सेवा बंद होने के चलते बस संचालकों के सामने टैक्स जमा कराने और RC सरेंडर नहीं करने की समस्या आ रही थी। इसको लेकर प्रदेश भर में 1 जून से निजी बस संचालकों की हड़ताल जारी थी। अपनी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में एक वार्ता हुई, जिसमें 30 जून तक पूरा टैक्स माफ करने की घोषणा की गई और RC सरेंडर करने का भी आश्वासन दिया गया। तो वहीं मंत्री की बात को मानते हुए बस संचालकों ने हड़ताल तोड़ने की बात कही। प्रदेश भर में करीब 15 दिनों से निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल आज समाप्त हो चुकी है। लगातार बस ऑपरेटर्स की जो मांग थी उन्हीं को लेकर, जो तमाम मांगे थी उनको लेकर हड़ताल कर रहे थे। आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ बैठक हुई, उसके बाद में हड़ताल हो रही है। मंत्री जी, क्या रोल था, किस तरह की जो मांग थी इनकी, जिस पर आज सरकार? देखिए, आप जानते हैं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की BJP ने, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री जी भी व्यस्त रहे। कोरोना संकट का समय चल रहा है, जैसे ही मुख्यमंत्री जी को समय मिला उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि जून तक का पूरा टैक्स माफ रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कैरीज और स्टेज कैरीज का, और उसके बाद जुलाई में 75% टैक्स माफ, अगस्त में 50% टैक्स माफ और सितंबर में 25% टैक्स माफ रहेगा। बाकी जो डिपार्टमेंट लेवल की समस्या है वो मैंने इनसे यस किया है, बैठ के बातचीत करके समय समय पर वो दूर करते रहेंगे। राजस्थान की सरकार कोई टकराव नहीं चाहती, ये सब बस वाले हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज इनकी कुछ और समस्याएं थी जो इन्होंने मुझे बताई है, वो समस्याएं भी हम बैठकर जल्दी दूर करेंगे। और इस स्टेट में सबसे अच्छी बात यह, जब श्रमिक पैदल चल रहे थे तब इन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हमारी बड़ी मदद की रोडवेज के साथ उनको वहां तक पहुँचाने में। राजस्थान की सरकार ने श्रमिक बसें चलाई हरिद्वार के लिए, हम रोडवेज से फ्री में बसों में लेकर जा रहे हैं। हमारी तरफ से हर वर्ग का सम्मान करना, बात करना, समस्या को सुनना, सुनकर समझकर काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, उसके बाद ये काम। कोरोना काल के दौरान तमाम जो समस्याएं वो सामने आई है, तो ऐसे में क्या हर वर्ग को किस तरह की जो सहयोग है वो दिया गया है? देखिए, सारा कोरोना संकट के समय सारी जो पॉलिटिक्स जो मीटिंगें हुई वो खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। सारी 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ हमने दिया, आपको बताया, फ्री में राशन दिया, फ्री में राशन के किट बांटे, ये सारी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। और जो जो वर्ग आ रहा है हम मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान हो रहा है। क्योंकि जब डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को मॉनिटर कर रहे हो सब मामलों, तो चीफ मिनिस्टर स्तर पर ही फैसले होते हैं, ये डिसीजन आज भी ये फैसला उनके स्तर पर हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी कहीं भी किसी भी वर्ग को परेशानी नहीं। तो ये कहा जा सकता है फिर से जो परिवहन व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट बिल्कुल आ जाएगी, तो इसी के है हमारे साथ कुछ जो यूनियन के पदाधिकारी वो भी मौजूद है। लगातार 15 दिन से हड़ताल थी, तो अब किस तरह से आगे का निर्णय लिया कि हड़ताल तोड़ने का? और तमाम आपने हमारा जो आज जिस तरीके के हमारे टैक्स छूट दिए हैं इन्होंने, तो हम तुरंत गाड़ियां चालू करेंगे आज से, नहीं तो कल से गाड़ियां जिस तरीके से हमारी चल रही थी उस तरीके से कोशिश करेंगे कि गाड़ियां सारी वापस शुरू हो जाएं। और हम लोगों इनको धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वो बैठक हुई, इसमें और किन किन जो समस्याओं को अवगत करवाया गया? हमारे स्टेज कैरेज की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसमें कि मिनिमम स्लैब जो है 150 किलोमीटर से शुरू होता है, जबकि आज उनसे हमारी बातचीत हुई है मंत्री जी से, जिसमें उन्होंने पहले हमारे से वादा किया था, लेकिन उनका खुद का कहना था कि अब मेरे ध्यान से उतर गया। अब उन्होंने आज हमारे को कमिटमेंट किया है कि हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का पहला स्लैब होगा, फिर 150, 200, 250, उससे सभी टैक्स गाड़ी वालों को बहुत लाभ होगा। क्योंकि पहले गाड़ी वाली चलती 50 किलोमीटर थी और टैक्स वो 150 किलोमीटर का देता था, तो उसके कारण जितना आप चलेगा गाड़ी वाला उतना ही उसका टैक्स लगेगा, ये उसको लाभ होगा। और इस तरीके से गाड़ी वाला जो बहुत नुकसान में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, वो एक रोजी रोटी में कमाने में लगेगा। तो जिस तरह से आज जो बैठक हुई उसके अनुसार जो निर्णय लिया गया है, उसके बाद में अब प्रदेश भर में फिर से परिवहन व्यवस्था सुचारू होगी और आम जनता को राहत मिलेगी। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ लोकेश होगा।